चक्रवात तूफान बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने जोधपुर संभाग में अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि सिरोही जिला गुजरात की सीमा से सटा होने के चलते भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। ऐसे में सिरोही जिला कलेक्टर डॉक्टर भवरलाल ने जिले के समस्त अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सिविल डिफेंस की टीम को भी अलर्ट किया गया। इसी दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर भवरलाल से हमारे संवाददाता लियाकत अली ने की खास बातचीत। चक्रवात तूफान बिपरजॉय को लेकर सिरोही जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरोही जिले में आने वाले इस तूफान को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है उसको लेकर हमारे साथ जिला कलेक्टर डॉक्टर भवन लाल जी, उससे हम बात करेंगे। सर, सिरोही जिले में येलो अलर्ट बिपरजॉय तूफान का मौसम विभाग से जारी जो बुलेटिन हुआ है उसमें ये चेतावनी जारी की गई है कि बिपरजॉय तूफान जो कि बे ऑफ अरेबियन सी से गुजरात के रास्ते से होते हुए राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके के जो ज़िले हैं उनको संभवतः 15, 16, 17 में हिट करेगा। उसी को देखते हुए हमने हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनको सतर्क कर दिया है और आमजन से भी अपील की है कि तेज़ हवाएं और भारी बारिश की चेतावनी इसमें दी गई है 15, 16 और 17 तारीख में। तो इसको लेकर जो भी सावधानियां बरतनी है उसके बारे में हमने आमजन से अपील की है। विभिन्न विभागों को भी हमने निर्देशित किया है कि जो भी इसमें प्रिकॉशंस लेनी है वो लें और अपनी तैयारी पूरी रखें। हमारी जो सिविल डिफेंस की टीम है जिला कंट्रोल रूम पर उनको हमने अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। साथ ही साथ में आज शाम को हमारे पास में SDRF की एडिशनल टीम्स भी पहुंच जाएंगी तो किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति होती है तो उसके निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। साथ ही मैंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि इन तारीख में कोई भी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में हम लोग पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। सर, ये बिपरजॉय तूफान को लेकर जो येलो अलर्ट जारी हुआ तो सर ये सिरोही जिले गुजरात का सीमावर्ती जिला है तो यहाँ पर इसका ज़्यादा प्रभाव हो सकता है और ये कब यहाँ पहुँचेगा और कितने समय तक इसका पूरा यहाँ पर रहेगा? देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रेशर चेंजेस से रिलेटेड हैं और इसका जो अनुमान मौसम विभाग से समय समय पर बुलेटिन जारी होता है और आर्ली बुलेटिन भी हमारे पास में आता है तो हम इसकी जानकारी समय समय पर आप लोगों के माध्यम से आमजन को शेयर करते रहेंगे। और इसमें कई बार अनुमान बदलता है, पहले ऑरेंज अलर्ट की भी बात थी, फिर येलो अलर्ट की भी बात हुई, फिर से दोबारा ऑरेंज अलर्ट की बात हुई। इसी तरह से बारिश में भी पहले कहा गया था हैवी रेन, फिर वेरी हैवी रेन की बात आई। तो जैसे जैसे ये जो तूफान है आगे बढ़ता है और उसमें जैसे जैसे प्रेशर चेंज होते हैं उस हिसाब से अनुमान भी कई बार बदलता है। तो जो भी वास्तविक स्थिति उस समय होने वाली है अगर हमारे पास जैसी ही सूचना रहेगी हम लोग आप लोगों के माध्यम से आमजन को शेयर करेंगे। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सिरोही जिला कलेक्टर डॉक्टर भवन लाल जी, जिन्होंने बताया कि जो तूफान चक्रवात आने वाला उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार जिला कलेक्टर स्वयं पूरी निगरानी बनाए हुए और अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं आम पब्लिक को भी अपील की जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं लियाकत अली, सच बेधड़क न्यूज़, सिरोही।